ਮਾਈਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੋ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੀਚੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ 16-17 ਸਾਲ ਅੱਛੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਜ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਨਿਆ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਬ ਮਾਨਿਆ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਨ ਲੋਗੋ ਕਾ ਜਿਨ੍ਹੋਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ਕੰਧੇ ਸੇ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕਰ ਹਮਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ। ਹਮਾਰੇ ਗਵਾਹੋਂ ਕਾ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹੂੰ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਦੌਲਾ ਕੈਮਰਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰ ਖੋਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਧਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਮਾਈਕ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਕਰ ਲੋ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई ऑफिसर्स का मैं ऋणी हूँ। थैंक्स करना चाहूंगा श्री सतीश डागर जी का, श्री सतपाल सिंह जी तत्कालीन जो एसपी साहब थे, उनकी पूरी टीम, राजेश खजूरिया इंस्पेक्टर साहब, पूरी की पूरी सीबीआई की टीम जो इसमें लगी हुई थी वो बधाई की पात्र है। उन्होंने एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की और इस केस को इस मुकाम तक पहुँचाया। और दूसरी बात, इतने लंबे समय में जो दबाव था, जो आरोपी जो अपराधी जो था गुरमीत राम रहीम, उसका बहुत प्रभाव था, वो प्रभावशाली व्यक्ति था, उसका इतना बड़ा साम्राज्य था। इतने बड़े साम्राज्य के सामने हमारे फादर ने जो टक्कर ली और उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा, उसके बाद जिस तरीके से इस लड़ाई को हमने लड़ा, इस लड़ाई के अंदर बहुत से लोगों ने अपना आहुति डाली। आंशुल आंशुल राम रहीम को देखा था आज, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे, क्या कैसा रिएक्शन था? कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए उसको देखा हमने, जो है उसके चेहरे का हाव भाव जो है बिल्कुल, चेहरा जो है वो ढला हुआ है और बाल सफेद हो चुके हैं दाढ़ी के भी। फैसला सुनने के बाद हम थोड़े इमोशनल थे, उसको थोड़ा झटका दिया। मर्डर केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है और मैक्सिमम होती है सेंटेंस। गवाहों के बारे में बता दीजिए, कितने गवाह आपके पास? जब बहस होगी हालात के मुताबिक हम उसको रिक्वेस्ट। राम रहीम इस मामले में, राम रहीम और सीसीएल इस मामले में साजिश करता के तौर पर जो है वो हमारे गवाह थे। तो राम रहीम के ऊपर क्या तरफ से 46 विटनेसेस एग्जामिन किए गए और डिफेंस की तरफ से अक्यूज की तरफ से 21। इन तीनों है सर, क्या इसको कहां रखा जाएगा? अभी तो इनको अंबाला जेल में रखा जाए सर। क्या राम रहीम के लिए फैसला सुनाते सबे कोई तबियत खराब होने की भी मामला सामने आया, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही है? ऐसा हमने कुछ नोट नहीं। राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे क्या सर? हां जी पेश हुए। रोहित नहीं आपकी बात, सभी मुल्जम पेश। उन्होंने माफी तो नहीं मांगी आदर से? खैर आगे मैडम खड़े कीता, अदालत की मर्जी है। सर अगले भी अपील करूंगा। सर इंग्लिश हिंदी में शॉर्ट? हां जी हां सर, सर इंग्लिश शॉर्ट। सर अपील है सर, सर हिंदी में बता दीजिए। सर क्या हुआ हिंदी में बता दीजिए? मोबाइल तो थोड़ा पीछे कर दो सर। ना क्या ऑर्डर है? हेल्ड गिल्टी। हां एंड वी विल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। सर सर तक उनको पर्सनली अपील करवाना होगा? अभी अभी कुछ नहीं, नोबडी नोज। अच्छा नोबडी नोज, नो क्लैरिटी अबाउट डेट। क्या राम रहीम आ जाएगा यहां पे? सही गुड नेम। आई एम सरबजीत बड़ा।